नमस्कार, मैं अमिताभ बनर्जी, महामारी विशेषज्ञ और कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई का लेखक। और इसका अभी जैसे मैंने बताया था पहले, इसका हिंदी अनुवाद हुआ है कोविड-19 महामारी, महामारी हिंदी में इसका नाम है। और एक एक चैप्टर करके हम इसके बारे में विवरण कर रहे हैं, जिसमें कि जो लोग पढ़ेंगे, जो रीडर है, उसको समझने में आसान हो, या तो जो लोग को थोड़ा बहुत आइडिया यूट्यूब चैनल से भी पता चल जाएगा, किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और तीसरा जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है, अपेक्षाकृत युवा भारतीयों की कोविड-19 से मृत्यु का कारण क्या है। ये चैप्टर जब लिखा था तब सेकेंड वेव खत्म हुआ था, और जितने भी एक्सपर्ट्स थे, मॉडलर्स थे, जो लोग ने प्रिडिक्शंस किए थे, उन्होंने कहा था कि जब तीसरा वेव आएगा उसमें यंग लोगों को ज़्यादा हानि करेगा, बच्चों को, पीडियाट्रिक वेव आएगा। आपको सबको याद होगा, तो सब लोग काफ़ी आतंक में थे अपने बच्चों के लिए, स्कूल कैसे खोलेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, बच्चों को टीका लगाना जरूरी है। तो हमने इसके बारे में, ये जो हमारे एपिडेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे पास जो आंकड़े थे, जो डेटा थे, उससे हमने इसका एनालिसिस किया है कि क्या सही में बच्चों को ज़्यादा घातक था दूसरा वेव या तीसरा वेव बच्चों में आएगा। तो इसमें हमने उस हिसाब से हमने इस चैप्टर में वही लिखा है कि जो पहला वेव, जैसे बोल रहे थे कि पहला वेव आया, फिर दूसरा वेव में बच्चे ज़्यादा और यंग लोगों को ज़्यादा इसको अटैक किया और ज़्यादा सीवियर था, तो हमने इसमें कुछ आंकड़े पेश किए हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी रिलीज किए थे, कि पहले वेव और दूसरे वेव में ज़्यादा फर्क नहीं था एज ग्रुप में, वही उतने ही, काफ़ी कम लोग, बच्चे दूसरे वेव में भी अस्पताल में भर्ती हुए थे। पहले वेव के अनुमान से दूसरे वेव में कोई ज़्यादा बच्चे नहीं भर्ती हुए थे, पर ऐसा था कि क्योंकि दूसरे वेव में बहुत ज़्यादा लोग को संक्रमित हो गए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग बच्चे, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बच्चे ज़्यादा है, हमारे पॉपुलेशन में युवा ज़्यादा है, यंग पीपल ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग ज़्यादा अस्पताल की तरफ यंग लोग इसलिए जा रहे थे कि हमारा एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादा है, पर जो परसेंटेजेज है उसमें कोई फर्क नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि पहला वेव में कैसे दूसरा वेव में यंगर एज को अफेक्ट किया। उसी के बेसिस पे लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे एक्सपर्ट्स की, तीसरे वेव में तो और छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा, इन लोग को आईसीयू में भर्ती हो जाएंगे, अस्पताल में भर्ती जाएंगे छोटे बच्चे। और उसी हिसाब से अगर आपको याद होगा तो काफ़ी कुछ प्लानिंग किया था कि तीसरा वेव आएगा उसके लिए पीडियाट्रिक बेड तैयार किए थे, पीडियाट्रिक अस्पताल तैयार किए थे, पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किए थे। और हमने पहले ही इसमें जो लिखा था अपने जो डेटा से और जो ग्लोबल पैटर्न से जो हमने एनालिसिस कर रहे थे, हम उससे हमने बताया थे कि कौन से यंग लोग ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड से। तो उसमें हमने जो कंट्री, अलग अलग कंट्री से हमने जो डेटा एनालिसिस किया था, जो लोग को कोमोबिलिटीज थे, इवन यंग बच्चे और यंग एडल्ट्स जिनको कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उन लोग ज़्यादा ये थे वल्नरेबल कोविड से यंग एज में भी। और जैसे मैंने पहले भी ब्राज़ील का एग्जांपल दिया था, उनका यंगर पॉपुलेशन है पर उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ओबेसिटी वॉज द मेन ये। और हमने इसमें थोड़ा हमने सावधानी भी किया था कि हमारे देश में जो मिडिल क्लास है वो, उनके बच्चे और उनके युवा सेडेंटरी लाइफस्टाइल से उनका वेट बढ़ रहा है, और वेट बढ़ेगा तो फ्यूचर पैंडेमिक्स में भी ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए वल्नरेबल हो सकता है। तो यंग पीपल कैन ओनली बी अफेक्टेड इफ दे हैव पुअर हेल्थ, और पुअर हेल्थ में ओबेसिटी और ओबेसिटी से रिलेटेड डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियाँ आ जाती हैं, और वायरल इन्फेक्शन में भी इन्हीं लोग से ज़्यादा इनको सीरियस और आईसीयू में पहुंचते हैं और अस्पताल में पहुंचते हैं। और अधिकांश एशियाई और अफ्रीका देश में, जैसे अफ्रीका में ओवरवेट नहीं है, एशिया में भी नहीं है, पर हमारे मिडिल क्लास में हो रहा है क्योंकि ये इकोनॉमी डेवलप हो रहा। और जापान में देखिएगा सबसे ज़्यादा एज है पर उनका मोटापा कम है, उनका ओवरऑल हेल्थ अच्छा है, तो उनमें काफ़ी कम हुए थे डेथ रेट्स। तो हमारे, जैसे पहले भी मैंने बताया था, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज से 3 टाइम्स ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज ओबीस है, तो उनको ज़्यादा ये घातक रहा कोविड। तो हमने इसमें तीसरे चैप्टर में यही बोला है कि फ्यूचर पैंडेमिक के लिए हमको
तैयारी रखनी पड़ेगी कि हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। और हमने ये भी कहा था कि जो एक महामारी विशेषज्ञ होता है वो एक अच्छे शतरंज के ग्रैंड मास्टर जैसे होता है कि वो हर फैक्टर को देखता है, और जो क्लिनिशियन होता है वो खाली शतरंज का नया खिलाड़ी होता है कि वो नए गोटी को देखता है कि नया कोई वजीर आ गया है, वजीर के साथ खेलेगा और वजीर के चारों तरफ दूसरे जो पीसीज है वजीर को घेर लिया तो वजीर का भी पावर कम हो जाता है। तो ऐसे ही ऐसे अगर अगर कोविड को आप खाली वायरस को देख रहे हो या बचाव के लिए खाली वैक्सीन को देख रहे हो तो ये एक नए शतरंज खिलाड़ी जैसे आप काम कर रहे हो, पर जो शतरंज का ग्रैंड मास्टर होता है वो तो सब पीसेस से काम चलाता है। तो हमारे इसमें क्या है कि हमारे देश में हर पीस में क्या है कि हमारा तगड़ा पीस क्या था, हमारा यंग एज था और हमारा ओबेसिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, और ओबेसिटी रेट हमारा बढ़ रहा है अगर हम सतर्क नहीं रहे, क्योंकि अभी जो फूड इंडस्ट्री है, फास्ट फूड मार्केट है, अभी होम डिलीवरीज हो गए, जोमेटो, अमेजोन, ये सब लॉकडाउन के टाइम भी लोगों का हैबिट हो गया है होम डिलीवरी, घर बैठ के खाना, घर बैठ के काम करना। इससे हमने ये बताया था कि इससे हमको सावधानी रहना पड़ेगा, हमको शॉर्टकट नहीं है, हमारा मोटापा के लिए हमारे को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हम खाली वैक्सीन से नहीं बचेंगे क्योंकि वैक्सीन का हमने असर देखा है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। और हमारे कुछ ऐसे स्टडीज हमने कोट किए हैं कई जगह, उसमें हमने जो स्टडीज में पाए गए थे कि अगर ओबेसिटी है, किसी आदमी का मोटापा ज़्यादा है नॉर्मल से, तो उसको 70% टाइम्स ज़्यादा उसको चांसेस है सीरियस कोविड होने का या कोई दूसरा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का। तो एक प्रकार से अगर हमारा मोटापा के ऊपर हम संयम रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओबीस पॉपुलेशन नहीं है, तो हमारा को लॉन्ग टर्म वैक्सीन से भी ज़्यादा हमको लॉन्ग टर्म इसके प्रोटेक्शन मिलेगा फ्यूचर महामारी के लिए। तो हम यही कहना चाहते थे इस चैप्टर में कि अभी देखिए वायरसेस तो बहुत आएंगे, हर दिन कोई साइंटिस्ट नया वायरस निकालेगा, उसका म्यूटेंट निकालेगा, तो रोज एक नया वैक्सीन बनाएंगे उसके म्यूटेंट का, तो ऐसे तो 100 वैक्सीन देने पड़ेंगे हमको, 100 वायरस के हजारों वायरस है प्रकृति में, और हमारे बॉडी में भी कितने वायरस और पैथोजन है, तो एक एक करके हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, इसका बचाव नहीं कर सकते पैंडेमिक का। हमको अगर पैंडेमिक का बचाव करना है तो जनरल हेल्थ सबसे पहले है, गुड हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑफ ओबिसिटी, एंड उसके अलावा जो हानिकारक चीज़ है, कंट्रोल ऑफ स्मोकिंग एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और